हेलो एवरीवन, बच्चा, क्या हाल चाल? स्वागत करते हैं आप सबका पीवीटी वाला चैनल पर। बच्चे, हम स्वागत करते हैं आपका। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और आप देख भी पा रहे हो कि बैच का नेम क्या है हमारा, प्रवेश सीवीटी ह्यूमैनिटीज का जो है बच्चे बैच आ रहा है। तो भाई, जो बच्चे प्रवेश जो बैच लेते हैं, खरीदते हैं, उनको जो है 12th का जो बोर्ड बूस्टर बैच है, 12th की प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि देखो यार, सीवीटी से पहले तो 12th दोगे ना, तो 12th के एग्जाम अच्छे जाएंगे, तभी तो सीवीटी का अच्छा जाएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, ये जो बैच है वो आपका कब से शुरू हो रहा है, तो आप देख लीजिए, ये बैच जो है आपका 7th of November से शुरू हो रहा है, यानी दिवाली ब्रेक के बाद जो है मेरे बच्चे, ये आपका बैच शुरू हो रहा है। सो दिवाली तक जितने मजे मारने हैं मार लीजिए, जितनी मस्ती करनी है कर लीजिए, वो फेस्टिव सीजन है। देखो, हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना, आप भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद बच्चे बस बैठ जाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ। देखो, हम सारे फैकल्टीज जो है अपना 100% देंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग भी अपना 100% दोगे। सर, पता है क्या, अगर हमें एक अच्छा कॉलेज मिल गया ना, एक तो क्राउड अच्छा क्राउड मिलेगा है सर, और इससे बेस्ट पार्ट पता है और क्या है, वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, एक्सपोजर मिलता है, ऑपर्चुनिटी होती है। हमारे जो सीनियर्स होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे ना बेटा, वो आधा काम तुम्हारा तय कर देते हैं कॉलेज जाने के बाद। मेहनत तुम्हारी काफी कम हो जाती है, आधा काम तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे प्रोफेसर, गाइडेंस, जो रेफरेंसेस होंगे, तुम्हारा जो नेटवर्क बनेगा अच्छे कॉलेज में जाने के बाद, दैट इज समथिंग एल्स। चलिए मैम, आगे बढ़ते हैं। तो भाई, जैसा कि मैम ने बताया कि 7th of November को ये जो बैच है वो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो या एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो हमारा प्रवेश सीयूईटी ह्यूमैनिटीज के लिए, स्पेशली जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बैच है लॉन्च हो गया है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके साथ में आपको 12th का जो बोर्ड बूस्टर है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो भाई, आपकी 12th की प्लस सीयूईटी की दोनों की प्रिपरेशन जो है बेहतरीन होने वाली है। बिल्कुल, ठीक है, चलिए सर मैम आगे बढ़ते हैं। सर, जो आगे हम बात करिए, जो बैच है मेरे बच्चे, वो होगा आपका इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश का मतलब है मिक्सचर है हिंदी और इंग्लिश का, यानी जैसे यहाँ पे अब इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम समझा कैसे रहे हिंदी में, जैसे एक आम भाषा में हम आपको समझा रहे वैसे ही हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश में बैच है, लिखा इंग्लिश में होगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे वो किसमें, हिंदी के अंदर एक प्रॉपर, जैसे आम भाषा में आपको, हम आपसे बात कर रहे वैसे हम आपको समझाएंगे। और ये जो बैच का जो प्राइस देखो, ऐसा है कि तुम जितना बचपन में ट्यूशन पढ़ते होगे ना, जो महीने का पे करते होगे, ये पूरे बैच का प्रॉपर, मतलब सब कुछ, इसमें आपके टेस्ट भी है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z आपके टेस्ट भी होने हैं प्रॉपर, आपको जो डाउट सॉल्विंग टीम है वो मिलेगी आपको, वो सब कुछ जो आपको मिलने वाला है। और सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है ये प्राइस, सारे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। So, ये जो बैच है वो मात्र कितने का है, 2499, यानी 2500 रुपए भी पूरा नहीं, उसमें भी 1 रुपए कम कर दो, ठीक है। तो भाई, रीजनेबल प्राइस है काफी, मतलब जो अफोर्डेबल प्राइस है, और कोई भी बच्चा जो इसको अफोर्ड कर सकता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर, अच्छा, ये तो हमने एक सरप्राइज आपको दे दिया कि चलो इस बैच के साथ आपको बोर्ड बूस्टर फ्री मिल रहा है, लेकिन एक मेगा सरप्राइज एक और भी है, तो थोड़ा आपको क्या क्या मिलने वाला है आपको इस बैच में, ठीक है। चलिए, सर, जो बैच है वो आपका सीयूईटी आर्ट्स 2025, यानी सीयूईटी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। देखो बच्चे, बच्चे क्या होता है, देखो कॉमर्स वालों के लिए सीयूईटी आ गया, साइंस वालों के लिए भी सीयूईटी आ गया। अब बच्चे बोलते हैं, मैम आर्ट्स के बच्चों ने क्या क्या किया भाई, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है, हमारे लिए क्यों नहीं आया अभी तक। तो बच्चे, अब हम आर्ट्स स्टूडेंट्स यानी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए भी जो है सीयूईटी का लाइव बैच लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आपको तरीके से अपडेटेड है बेटा, 2025 के हिसाब से जो क्वेश्चन की अप्रोच है, क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, कुछ करंट में डेवलपमेंट हुआ, करंट से क्वेश्चन नहीं बनता है, करंट में कुछ डेवलपमेंट हुआ उससे रिलेटेड पोर्शन से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक। तो वो चीज, वो अप्रोच डेवलप कौन करता है, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो उसका ध्यान रखते हैं कि करंट डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, कोई चीज न्यूज में है क्या, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी आपका बैच, जो भी आपको सिलेबस होगा वो अप टू डेट होगा, ठीक है, अपडेटेड होगा। चलिए मैम, बाकी हम अगर बात करें इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टीज हैं, जैसे आप देख सकते हो हम 3 लोग हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपका उनके अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, और इंडिया के, अब तो पता है PW के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। सीयूईटी की हम बात करें, हाँ खुद की, ठीक है। तो आपके जो भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, इको की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जर्नल टेस्ट, एक एक सब्जेक्ट जो आपको कवर करवाया जाएगा, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू, ठीक है। चलिए,
वीक में 6 दिन तुम्हारे लेक्चर होंगे, 6 दिन तुम पढ़ाई करो, 1 दिन अपना आराम से जाओ, रिवीजन करो, जितनी चीज तुमने 6 दिन में पढ़ी है उसको कंसोलिडेट करो, दिमाग में जो खिचड़ी बन गई है उसको इकट्ठा करो, और फिर क्वेश्चन जो टेस्ट होगा टेस्ट को सॉल्व करो, और फिर आ जाओ, फिर से खिचड़ी हम फैलाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना जो टाइम का जो टिक 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 चल रही होती है ना, वो परेशान करता है। यहाँ पर तुमको वो अप्रोच भी सिखाई जाएगी कि कैसे तुमको एक क्वेश्चन ऑप्टिमम टाइम में सॉल्व करना है बिना घड़ी देखे। तुमको सब मिल जाएगा, तुमको डीपीपीज मिलेंगे, रोज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास में बस तुमको बैठ कर बस सुनना है। क्योंकि देखो ठीक है, तो भाई सर ने ऐसा कि बताया कि 1 हफ्ते में 6 दिन क्लासेस लगेंगी आपकी, और जो क्लासेस की लेंथ होने वाली है 1 आवर 45 मिनट्स, और ये वैरी करेगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, सर के पास टाइम है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई टॉपिक अगर रह गया तो ये नहीं होने वाला है कि टॉपिक कवर करके बस भागना है, नहीं नहीं नहीं, टॉपिक तुम्हारा वहां से क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम रहेंगे, टॉपिक जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी तुम्हारी छुट्टी लाइव। हाँ भाई लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव बैच है भाई, ये तो स्टार्टिंग बोल रहा था, कोई बात नहीं, जब चाहो 24/7 बिल्कुल लाइव बैच है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, है ना, तो उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट 24/7 कभी भी देख सकते हो, जब आपका मन करे, आधी रात को देख रहे हैं, सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, आप कभी भी देख सकते हो। तो भैया जैसे क्लास होगी, क्लास के तुरंत बाद आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स वाले सेक्शन में अपडेट हो जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। तो भैया आपने लेक्चर लिया, जो भी आपने खुद के नोट्स बनाए थे बना लिए, खास बात क्या है कि वो एकदम लास्ट टाइम रिवीजन टाइप के नोट्स होंगे तुम्हारे, है ना, तुमने जितनी भी बात पढ़ी है टू द पॉइंट बातें जो एग्जाम में तुमको एज इट इज मिलने वाली है। तुमको एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर तुम चाहो हफ्ते भर पहले उसको खटाखट रिवाइज करो, और वही बातें तुमको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाली, तो उस तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। अब देखो होता क्या है, देखो तुम कितना भी पढ़ लो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो भैया उसके लिए आपको प्रॉपर जो हमारी डीपीपीज जो है वो आपको मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं, आपको डेली आपकी क्लास हो रही है, उस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आपको जो है डीपीपी में मिल जाएगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्विज की फॉर्मेट में होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल फील होगा कि आप एग्जाम दे रहे हो सीयूटी का। पता है प्रॉब्लम क्या होती है डीपीपी, चलो कई बार ऐसा होता है सॉल्यूशन तो हम दे देते हैं, कई बार लिखते हुए रिटन सॉल्यूशन होते हैं, बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम समझ ही नहीं आ रहा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या बोलना चाह रहे, लेकिन आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे मेरे बच्चे वो वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, यानी आप खुद फील करेंगे, सामने वाला एक तरह से आपको लगेगा कि कोई आपको समझा रहा है। अच्छा जो भी आपका प्लानर वगैरह हुआ करेगा, जो भी जैसे आप जब भी आपकी क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस होंगी हफ्ते में 6 दिन होंगी, तो जो भी प्लानर होगा आपका वो वीकली जो है अपडेट कर दिया जाएगा सर। और सबसे बेस्ट पार्ट, बच्चों को शेड्यूल्ड टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम आपको टेस्ट मिलेंगे जहाँ पे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि मुझे समझ आ रहा है क्या, मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। चलिए अब आगे चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या, जब मैम क्लासेस होती हैं तो देखो हमारे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि मेरे को नहीं लगता कोई डाउट वाउट होता होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार चांसेस होते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट्स आ गया, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो फीचर है वो डाउट इंजन का है। अब होगा क्या, जैसे क्लास तो हो जाएगी, अब उसके बाद भी आपको डाउट्स आएंगे, तो हमारी पूरी टीम जो है वो डाउट रिजॉल्व आपकी करती है, डाउट इंजन है बेसिकली, तो यही काम होता है, आप कोई भी डाउट पूछोगे उसका जो है आपको विद इन अ सेकंड आंसर मिल जाएगा। 24/7 कभी भी डाउट लिख सकते हैं। लेट्स से अगर आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास अटेंड करी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डाउट पूछ नहीं सकते, आप तब भी डाउट पूछ सकते हो। देखो क्लासेस का तुमको पता है 7 नवंबर से शुरू हो जाएंगी, सिलेबस तुम्हारा 31 मार्च को कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ और तुम्हारे पास से बैच का एक्सेस चला गया। तुम्हारे पास बैच का एक्सेस तब तक रहेगा जब तक तुम एग्जाम वाले दिन अपना एग्जाम लिख के नहीं आ जाते, ठीक है। अब अपने फैकल्टीज के बारे में जान लो, तो हमारे जो शिवान सर जो है आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और सर को मैं पर्सनली जानता हूँ, पिछले 1-2 हफ्ते से ज्यादा दोस्ती हो गई है, तो सर का भाई इंटेलेक्चुअल लेवल अलग ही लेवल का है। आप हिस्ट्री जब सर से पढ़ोगे ना मतलब मजा आ जाएगा। आप सर बताओ सर क्या ही मैं आप तारीफ करूं, तारीफ भी कमी पड़ रही है आपके लिए। देखो यहां पर देखो पढ़ लो, मैंने कुछ एग्जाम निकाले हैं यहां पर, पढ़ सकते हो मेरी क्वालिफिकेशन भी यहां पढ़ सकते हो। मैं मेन बात करूंगा, जो मेरा कोर है, मेरा कोर है मेरा एक्सपीरियंस, मैंने लगभग 5 साल से ज्यादा पढ़ाया हुआ है इस फील्ड में, ठीक। अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को कैटर किया है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वहां पर सिर्फ एक चीज के भरोसे आप नहीं रह सकते, नॉलेज के भरोसे। अगर तुम ये बैच लेते हो तो कुल मिला के बात इतनी है, बार बार क्या बोले कि पूरी तरीके से जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा, ना कि सिर्फ सीबीएसई या एनसीईआरटी के बेसिस पर कवर किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये चाहना तो पढ़ लेना, बाकी ये तो सर के बारे में, अमित पांडे सर के बारे में है, ठीक। बीकॉम कर रखा है इन्होंने, ग्रेजुएट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, 5+ साल का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। कई सारे बच्चों को पता होगा कि सोशल साइंसेस के लिए इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, है ना, तो वो तुमको पता होगा, देख सकते हो सर की क्वालिफिकेशन वहीं से है। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर कर चुके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए,
स्पेसिफिकली सीयूटी हो गया तुम्हारा, एनटीएससी हो गया, है ना, मतलब सब ये लेवल वाले एग्जाम है। तो देखो जैसा कि सर ने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है सर ने बता दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी करती हैं। सर से ज्योग्राफी पढ़ लो, बाहर निकल के जाओगे, आसमान में बादल देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा इस लेवल की ज्योग्राफी पढ़ोगे। चलिए तो भाई और बात करूं पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। और बिलाल सर आपको जैसे हम ट्वेल्थ आर्ट्स की बात करें, वहां पर भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही बिलाल सर का कॉन्टेंट मैंने पर्सनली चेक किया है भाई, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। सर की जो स्पेशली डिलीवरी जो है उनकी, स्पेशली जो वॉइस है, वो क्या ही बताऊं मैं, ठीक है, बहुत फिनोमिनल है। देख सकते हो 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है सर का, अगर मैं बिलाल सर की बात करूं। और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा जो है बच्चों को पढ़ाया है। सीयूटी की बात करूं मैं, बहुत सारे सीयूटी के टॉपर्स भी सर ने निकाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हमारे कौन पढ़ाएंगे, बिलाल सर पढ़ाएंगे। अगर आपको इनका कॉन्टेंट देखना है तो भाई आर्ट्स वाला चैनल पर चले जाना, वहां पर इनका पूरा जो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है पूरी पढ़ा रखी है सर ने, तो क्या ही लाजवाब कॉन्टेंट है सर का। तो भाई मैम की मैं बात करूं, तान्या मैम, तो तान्या मैम की मैंने बहुत सारी वीडियोज देखे हैं और उसमें लैक्स ऑफ व्यूज है उसमें। अगर मैं बात करूं 11 12th की बात करूं, वो बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मैंने मैम का पर्सनली जो कंटेंट है वो देखा है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं मैम। तो बच्चों मैंने सिर्फ 11 12th को नहीं पढ़ाया, मैंने सीयूटी के बच्चों को भी बहुत सालों से मैं पढ़ा रही हूं। आपको एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करवाने वाली हूं। कुछ सिलेबस यानी 2 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से डिलीटेड है, जो डिलीटेड सिलेबस है उसको भी कवर करवाया जाएगा मेरे एंड से, और बहुत अच्छे से करवाऊंगी। वो तो चैप्टर मैं आपको अच्छे से डिटेल में ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपने मे भी ना पढ़ रखे होंगे 2 चैप्टर्स। चलिए जी, तो ये हमारे वरुण सर है, जीटी आपको जनरल टेस्ट ये पढ़ाने वाले हैं। देखो बाकी सब्जेक्ट्स तो बच्चे हम पढ़ लेते हैं, मतलब 11 12th में हमने पढ़ रखे होते हैं ना सर। प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ आती है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करवा अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को यहाँ पे। सो ये बेस्ट टीचर है आप लोगों को इन सर का इंट्रोडक्शन देने की, सर वैसे भी मुझे जरूरत नहीं है। सीयूटी वाला चैनल पे आप जाके देखिए सर का जो कंटेंट है, आप देख लोगे बेस्टेस्ट कंटेंट है। और हमें सच में उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखो बिल्कुल ये मतलब अब ज्यादा नहीं बोलना है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाओ देखो जा करके, तुमको इसके बारे में अगर कुछ बोलना वेस्ट है, मतलब देखो कंटेंट देखो, उसके बाद तुमको कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगले जो है वो हमारे इंग्लिश कौन लेने वाले, वो डेनिश सर लेने वाले, और बहुत ही ज्यादा दानिश सर लेने वाले हैं। मैंने उनकी वीडियो जरूर देखी और मैं तो उनके जो लेक्चर डिलीवरी है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब इतने फिनोमिनल तरीके से वो पढ़ाते हैं, है ना। सो बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और बच्चों को ना जनरली इंग्लिश में भी दिक्कत आती है, वो वर्ब वगैरह होगी, है ना। ये सर्टिफाइड फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। अरे बाप रे, तो विलायत के भाई, विलायती भाषा, ठीक है। तो सर ने सर का एजुकेशन देख लिया, 13 प्लस ईयर एक्सपीरियंस है सर का, बहुत बड़ी बात हो गई, 13 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया सर को पढ़ाते। 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रखा है और कितने टॉपर्स प्रोड्यूस कर रखे हैं। चलिए तो भाई ये है हमारे सर इंग्लिश आपको पढ़ाने वाले। तो आगे कौन है भैया, विजय बुधलकोटी सर है, ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, टॉप कॉलेजेस। हाँ, ये भी आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। 7 साल का एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंपटीशन के बच्चों को पढ़ा चुके हैं, अलग अलग रैंक होल्डर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं, है ना। तो मतलब हिंदी तो एकदम बहुत मक्खन तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय कविताएं शायरी, अरे माहौल बना देते हैं यार, एकदम मुशायरा करते हैं। कल का ट्रेलर देख लो जाके, अभी क्लास चल रही है, भुला के हम लोग 3 बार आ चुके हैं, पर वो छोड़ते नहीं है, जब तक क्लास खत्म नहीं हो तब छोड़ेंगे नहीं, है ना। आप कर लो, मैं तो क्लास पे अपना, हाँ वो क्लास में लगे हुए हैं। हाँ। तो बस समझ लो जाकर के, तुम इनके भी वीडियोस हैं, तुम उनको जाकर के रेफर कर सकते हो, है ना। और उसके बारे में, उसके बाद में ये कहानी है, तुम्हारा शेड्यूल है, इसको एक बार देख लो। मंडे को पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, 3 बजे से 4:45 तक होगी, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो 3 बजे से लेके 4:45 तक पहला लेक्चर रहेगा, उसके बाद 5:15 से लेके 7 बजे तक दूसरा लेक्चर रहेगा, और 7:15 से 9 बजे तक आपका तीसरा लेक्चर रहेगा। देखो 3 लेक्चर एक दिन में रहेंगे, और 15-15 मिनट का आपको गैप दिया जा रहा है, ताकि आप कुछ खा पी लो, थोड़ा आपको ब्रेक मिल जाए। और जो आपकी क्लासेस है वो मेरे बच्चे आपके मंडे से सैटरडे तक रहेगी, ठीक है, 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आपकी क्लासेस रहेगी, 1 दिन आपको छुट्टी दी गई है। चलिए तो भाई, जो सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला था, मैम रिवील कर ही देते हैं। बिल्कुल सर, एक बार रिवील कर दे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर, अरे बिल्कुल मैम कर देते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं, ठीक है। तो एक तोहफा और मिल रहा है, एक एडिशनल चीज और मिल रही है आपको, चलिए तो रिवील कर देते हैं। बिल्कुल फटाफट से देखिए। चलिए तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, 12th का बोर्ड बूस्टर आपको फ्री में मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको अग्रिम और अग्रिम 2.0 इन दोनों का जो है एक्सेस भी आपको फ्री में मिल रहा है हमारे प्रवेश के साथ में। सर, एक के साथ 3 बैच मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त।
अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर एक बात बताओ कि हमें ये दो दो बैचेस क्यों मिल रहे हैं जबकि तो सब्जेक्ट तो सेम ही है ना। तो भाई यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ टीचर्स मिल रहे हैं ना, तो वैरायटी ऑफ कंटेंट देखने को मिलेगा। बड़ी चीज मैंने अप्रोच का बोला कि जब तुम बोर्ड एग्जाम देते हो वहां पर अप्रोच बस अप्रोच में चेंज आता है। यहाँ पर तुमको क्वेश्चन अलग तरीके का सोल्व करना है, तुमको अप्रोच बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज अभी यार विंटर वेकेशन होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुमको बैच मिलेगा, तुम वहां पर जितने वीडियो तब तक हो जाएंगे तुम उसको एक बार देख लेना, फिर एक बार किसी तरह टाइम निकाल के दो दो घंटा तीन तीन घंटा टाइम निकाल के एग्जाम के टाइम पर उसको पूरा कवर कर लेना। बाकी सीयूटी वाला बैच तुम्हारा तो चलता ही रहेगा। सो प्लीज ज्वाइन करिएगा इस कोर्स को। चलिए तो मैम विदा लेते हैं सर, ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर।